तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड आप सभी को बताना चाहूँगा DRDO में एक अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी की वैकेंसी को लेकर के। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वैकेंसी जो है आप सभी का अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए थोड़ा सा भी इच्छुक है तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, DRDO अपने आप में एक अच्छी विभाग है। अगर इससे आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप सभी को आगे कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लड़के होते हैं, हमको भी पता है कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए इच्छुक नहीं होते। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग उन अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की नीड होगी, जो प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी उनके घर से। तो देखिए, जो अच्छी कंपनियाँ होती है, DRDO, IOCL, UPPCL, इन सब विभाग से अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा बस ये होता है ना कि इसमें काम बहुत कम कराया जाता है और आपको पढ़ने का समय मिल जाता है। तो बस इस उद्देश्य से हम वीडियो आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वैकेंसी डिटेल्स को देखिए, समझिए कितना सैलरी मिलने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का। देखिए यहाँ पे आप सभी का एग्जाम भी नहीं होगा, मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। और ऑनलाइन कैसे करना है वो अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं होगा, इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, बस इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक सुन कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं DRDO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके सामने है। यहाँ पे देखिए, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप आई हुई है। तो जॉब पीरियड हो गया आप सभी का एक साल का, पीरियड ऑफ वन ईयर। और वैकेंसी डिटेल्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे BE/BTECH के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे। देखिए, बहुत सारे ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लीकेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट, इन सभी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट आई है 6 पोस्ट। ठीक, अभी सैलरी भी हम बता देंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक तरफ से सभी को बताते हुए चलेंगे, डिप्लोमा स्टूडेंट का भी डिस्कस करेंगे। इनकी जो सैलरी होगी 9,000 रुपये पर मंथ होगी। ठीक, देखिए अप्रेंटिसशिप की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि काम भी नहीं ज़्यादा आपसे कराया जाता, घंटे दो घंटे की काम रहती है, वो भी अगर आपका पकड़ जेई से अच्छा खासा हो गया तो आपको वहाँ पर जाना भी नहीं पड़ता। और आगे भी देख सकते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी नंबर ऑफ सीट है 6। ठीक, आगे सिक्वेंस में देख सकते हैं, BE/BTECH जो भी किए होंगे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए स्पेशली 2 सीट आए हुए। ठीक, ये रहा वैकेंसी डिटेल्स BTECH के स्टूडेंट का। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट की। तो देखिए फ्रेंड, डिप्लोमा में आगे देखिए BE/BTECH का और दिया था, जैसे कि अगर आपने सिविल से किया है तो सिविल के लिए 1 सीट है, एरियो स्पेस इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट है, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 सीट है, सेफ्टी इंजीनियर के लिए 2 सीट है, फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंस मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये BCOM, देखिए ये BBA जो नीचे की वैकेंसी है BBA और BCOM के लिए, बाकी ये ऊपर BE/BTECH के लिए था। ठीक, तो इनके लिए BCOM और BBA के लिए 12 वैकेंसी। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट की वैकेंसी की। तो डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ सीट है 8। और इसी सिक्वेंस आप देख सकते हैं, उनकी सिर्फ सैलरी होगी डिप्लोमा स्टूडेंट का 8,000 रुपये पर मंथ होगा। ठीक, और डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स एम्बेडेड सिस्टम के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। इनकी नंबर ऑफ सीट है 8। ठीक, और भी आप देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए, इलेक्ट्रिकल स्पेशल इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीट, सिविल स्टूडेंट के लिए 2 सीट और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 सीट। तो ये रहे वैकेंसी डिटेल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी हम बताए हैं, यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट और BTECH के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे जिन्होंने जो ब्रांचेस हम बोले उन ब्रांच से BTECH डिप्लोमा किया है। तो जॉब पीरियड होगी आप सभी का एक साल का। इस फॉर्म को भरने के लिए एक कंडीशन है कि आप सभी का NITS पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। NITS अगर आप नहीं जानते होंगे तो बताना चाहता हूँ, NITS नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको एक रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड मिलता है, उसका यूज आप इस फॉर्म फिलअप में करेंगे। देखिए फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। आप सभी को
एक जगह बता रहे हैं, इस जगह पे पोस्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट इन द प्रीस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन एंड एनेक्सोर ए फॉर्म इन डॉक्स इज आल्सो अवेलेबल एट वेबसाइट। द टाइप्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड रीच द डायरेक्टर इंटीग्रेटर टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर बलासोर उड़ीसा 756025। तो 17 अक्टूबर से पहले, देखिए 17 अक्टूबर से पहले आप सभी को अपना पोस्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद। इस जगह पे, जगह देख लीजिए आप लोग, फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस जगह पे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 17 अक्टूबर से पहले। और फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक हम दे देंगे, चलिए फॉर्म को भी दिखा देते हैं आप सभी को। पर उससे पहले एक थोड़ी सी और बात है कि किन किन ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो बताना चाहूँगा फ्रेंड 2018 19 20 21 22 के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, जो जिसे आपको फिल करने के बाद जो जगह हम बताए हैं उस जगह पे पोस्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दूंगा, एक लिंक नोटिफिकेशन का रहेगा ताकि जो भी चीज़ें हम नहीं बता पाए हों आप नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करके समझ पाएँ, और दूसरा जो लिंक रहेगा इस फॉर्म को डाउनलोड करने का रहेगा। तो इस फॉर्म में अपना यहाँ पे फोटो वगैरह और यहाँ पे नाम वगैरह सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको पोस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक। जो भी चीज़ यहाँ पे मांग रहा है उसको फिलफिल कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म को अप्लाई करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और लास्ट में फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट है छोटी सी बड़ी A to Z आंसर की पेपर के एनालिसिस आप सभी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपडेट कोई भी चीज़ इन्फॉर्म होता रहेगा, अगर आपने ITI पॉलिटेक्निक BTech किसी ब्रांच से कर रखा है तो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलते हैं एक नए टेक्निकल वैकेंसी नोटिफिकेशन के साथ, एक नए उम्मीद के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।